लोग बैचलर्स लाइफ जीते, तेरा पूरा जिंदगी बैचलर्स पार्टी था और सडनली एकदम खटाक करके मैरिज में घुस रहा है, तो तभी वो फीलिंग सही एक साथ आ गई और मेरे को जयती मैम की याद आ गई, क्योंकि वो भी हमें सिंदूर ऐसे ही लगाया करती थी। ओके लाजमी संगीता, व्हाई आर यू सो क्वाइट? मैं दुल्हन हूँ ना, थोड़ा तो शर्माने दो यार। ओके लास्टली गाइस, यू वांट टू से एनीथिंग टू द फैंस ऑफ स्पॉट बॉय हु आर वेटिंग टू सी योर वेडिंग एंड वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड द पिक्चर्स एंड वीडियोस दो? थैंक यू सो मच गाइस, यू वर वेटिंग एज शी सेड, सो या थैंक यू, एंड आपने हमेशा इतना सारा प्यार दिया है हमें, बस आगे भी प्लीज ब्लेस अस एंड जस्ट कीप शॉपिंग योर लव। थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस। सो फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस गाइस, हाउ डज इट फील, यू नो फाइनली द मैरिज हैज हैपेंड, क्वारंटाइन वेडिंग वाज लाइक फाइनली द एंजाइटी इज ओवर। Really for her? मेरे को आपके आपके टाइट क्लोजअप में पता नहीं चला कि मेरे नीचे घुटने कहाँ पर हैं। दिखाओ। Okay, so Manish, but you know, your marriage was something which was unexpected. Looking at your responses when I called you, क्या? हाँ, क्योंकि मैंने इनको कॉल किया तो इसलिए किसी के हाथ में नहीं आता, डॉन को पकड़ना नाम उनके भी है। Okay. सिर्फ पांच लोगों के बीच में शादी हुई है, डी व्हाट यू वांट टू से, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस कि ऐसे शादी होगी भाई की, इकलौते भाई की? हम लोग वेट कर रहे थे शादी हो जाए, जितनी भी हुई हम लोगों ने बहुत मजा किया, हर एक फंक्शन सेपरेटली किया है, मेहंदी से लेके कॉकटेल से लेके जो पूरा परिवार है उन्होंने बहुत मजा किया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। So हमारी जो पहली शादी मतलब जो पहला अभी जो हो रहा है ना क्वारंटाइन, वो एकदम सिंधी स्टाइल है, सब अपने अपने खर्चे पे खुश। सब लोग अपने अपने ड्रिंक्स लेके सब लोग घर पे कॉकटेल मना लेते हैं स्टफ। जो सेकंड पार्टी होगी, यस दैट्स गोना बी विद एवरीबॉडी इन पर्सन। ओके, वी आल्सो हर्ड दैट यू पीपल हैव परमिटेड ईच अदर टू हैव अ बैचलर्स दैट टाइम। That was a condition. पापा ने बोला कि हाँ मैं रिसेप्शन एक पक्का, आई प्रॉमिस यू अभी शादी कर ले, जब खुलेगा तब अपन लोग रिसेप्शन देंगे। फिर मैंने कहा यार एक और दिली तमन्ना है, तो फिर ऐसे आया इसको बोला सुनना। एक परमिशन चाहिए थी, बोले क्या? बोला बैचलर्स पार्टी, सब लोग दोस्त लोग बोल रहे, मेरे कोई तमन्ना नहीं है। तो इसने बोले जीजा साला साला विल गो एंड देन साला और ही विल गो और हम लोग अपना सीक्रेट देखेंगे, कहाँ पहुँचना है व्हील फिगर आउट, इनके बैचलर्स में हम कैसे पहुँचेंगे दैट व्हील फिगर आउट। सो बेसिकली यू गाइस आर प्लानिंग टू गेट क्रश हिज बैचलर्स पार्टी। Do you think so, Rahul? ऐसा कुछ होगा? We have our own strategies, right? Yeah. No chance. अब उसकी डोर तुम्हारी डोर उसके हाथ में, इसकी डोर तो मेरे हाथ में थी। और अंकुर तो वैसे ही छोटा बच्चा है। Okay, Manish, lastly we also got to know that you got nervous while putting the sindoor. What was that? While putting the sindoor? मैं आंखें बंद करके प्रे कर रहा था, मैंने कहा सही जगह पे हूँ। अपनी जिंदगी के लिए प्रे करने वाला पहला बंदा होगा। और जब जैसे ही सिंदूर हाथ में आया, इतनी आजादी वाली जिंदगी जी है, और जैसे कि मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि लोग बैचलर्स लाइफ जीते हैं, तेरा पूरा जिंदगी बैचलर्स पार्टी था और सडनली एकदम खटाक करके मैरिज में घुस रहा है, तो तभी वो फीलिंग सही एक साथ आ गई और मेरे को जयती मैम की याद आ गई, क्योंकि वो भी हमें सिंदूर ऐसे ही लगाया करती थी। ओके लाजमी संगीता, व्हाई आर यू सो क्वाइट? मैं दुल्हन हूँ ना, थोड़ा तो शर्माने दो यार। ओके लास्टली गाइस, यू वांट टू से एनीथिंग टू द फैंस ऑफ स्पॉट बॉय हु आर वेटिंग टू सी योर वेडिंग एंड वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड द पिक्चर्स एंड वीडियोस दो? थैंक यू सो मच गाइस, यू वर वेटिंग एज शी सेड, सो या थैंक यू एंड आपने हमेशा इतना सारा प्यार दिया है हमें, बस आगे भी प्लीज ब्लेस अस एंड जस्ट कीप शॉपिंग योर लव। Thank you. Thank you so much. Thank you.